हेलो फ्रेंड, बैक इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले ओके नॉट 81 80 82 85 दैट इज 80 एंड आफ्टर दैट 81 82, क्योंकि कल एक क्वेश्चन छूट गया था। 79 तक ही हम उस वीडियो में देख पाए थे। तो आइए हम आज वाले वीडियोस की शुरुआत करते हैं। आज वाले वीडियो में मेन रूप से फाइव क्वेश्चन जो सिक्स क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ईजी है, क्या हमारा ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP एमिट द ग्रीन लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जी है, बहुत ही जल्दी इसको आप इसका जवाब दे दोगे, मेटल कोफैक्टर। पर ये नहीं है, मेटल कोफैक्टर नहीं होता है। प्रोस्थेटिक फ्लो फॉर दैट इमिट द रेड ग्रीन लाइट। हाँ, इससे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो लेकिन यह भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड दैट नॉट फाउंड इन द अदर प्रोटीन, ऐसा नहीं है। अमाइनो एसिड जो है कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दैट जनरेट द यूनिक फ्लोरोफोर्स। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर ये डायरेक्ट है, लेकिन हम आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताते हैं। होता क्या है कि GFP हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम सबसे ज्यादा GFP यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन कलर देता है, ब्राइट ब्राइट ग्रीन कलर, ग्रीन फ्लोरोफोर्स फ्लोरोफोर्स फ्लोरोफोर फोर्स होता है व्हेन एक्सपोज्ड when exposed to light in the blue to ultraviolet range। ब्लू लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेंज की कोई भी लाइट अगर हम देते हैं तो GFP हमारा ग्रीन कलर देता है। क्यों ये ग्रीन कलर देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर जो है यह क्रोमोफोर एक सब्सटेंस होता है या कंपाउंड होता है या कोई भी चीज जो कि लाइट को ऑब्जर्व करके कलर को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। तो क्रोमोफोर जो है GFP के कंडीशन में, क्रोमोफोर ऑफ द GFP लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दी बीटा बैरल, बीटा बैरल के सेंटर में आपका क्रोमोफोर होता है। और ये जो क्रोमोफोर है यह तीन पेप्टाइड रेसिड्यूज का, मतलब क्रोमोफोर आपका कहाँ पे है वो आपका बीटा बैरल में है। और बीटा बैरल के अलावा अल्फा हेलिक्स में तीन, जैसे लोकेट होता है बीटा बैरल में, बट जो आपका क्रोमोफोर है वो अल्फा हेलिक्स का बना होता है। उस अल्फा हेलिक्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है थ्री अमाइनो एसिड का, थ्री अमाइनो एसिड रेसिड्यूस इन द सेंट्रल अल्फा हेलिक्स कंस्टिट्यूट द फ्लोरो
जी एफ पी, वो जो तीन हमारा है वो होता है सीरीन या थ्रियोनीन। 65, टायरोसिन 66 और ग्लाइसिन 67। 65, 66, 67 पे आपका तीन अमाइनो एसिड का रेसिड्यूज होता है, और ये तीनों अमाइनो एसिड जो होती है, ये जो ट्राई पेप्टाइड है, यह दिस ट्राई पेप्टाइड सीक्वेंस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट नॉट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड होती है मॉडिफाइड बाय किससे? बाय इंटरनल साइक्लाइजेशन, इंटरनल साइक्लाइजेशन। इंटरनल साइक्लाइजेशन क्यों? क्योंकि थ्रियोनीन जो है और टायरोसिन, जो टायरोसिन है इसके अंदर क्या होता है आपका? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो ये इंटरनल साइक्लाइजेशन करती है, और इसी के साथ एंड ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस अ अ फोर पी हाइड्रो पी हाइड्रो हाइड्रोक्सी बेन जाइल डीन बेंजाइलिडीन अमाइडा जो जो अमाइडा जोली डीन फाइव प्राइम 5 ओन ओन स्ट्रक्चर साइक्लिक ऑक्सीडाइजेशन से आपका यह एक स्ट्रक्चर बनता है, और ये स्ट्रक्चर से हमारा रिंग के अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और उसमें पाई सिस्टम ऑफ द रिंग स्टेबलाइज होता है, जो कि एक यूनिक फ्लोरोफोर देता है जो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दैट जनरेट द यूनिक फ्लोरोफोर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दैट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन द प्लांट द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टिन जीन कन्फर्स द रेजिस्टेंस टू, लैक्टिन जीन किससे रेजिस्टेंस कन्फर करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो लैक्टिन जीन जो है आपका किससे रेजिस्टेंस कन्फर करता है? उसको समझने से पहले याद रखिए थोड़ी चीजें आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि लेक्टिन क्या है। लेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये काम आता है टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू इनटू दी साइटो प्लाज्म एंड इन्वॉल्व इन
इन्वॉल्व इन प्लांट डिफेंस, प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। मेनली लैक्टिन जो होता है वो बैक्टीरिया, मेनली जो लैक्टिन है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। दूसरा, लैक्टिन जो है, लैक्टिन आल्सो एनहांस द फैगोसाइटिक एक्टिविटी, एनहांस द फैगो साइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज फेजेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जब माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तो लेक्टिन जो है आपका फैगोसाइटिक एक्टिविटी दिखाता है। या प्लांट की केस नहीं, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, कैसे दिखाता है, बाय द ऑप्सिनाइजेशन। लेक्टिन क्या करता है, लेक्टिन आपका बैक्टीरिया के चारों तरफ जाके बाइंड कर जाता है और बैक्टीरिया से बाइंड करके उसको ऑप्सिनाइज कर देता है, और ऑप्सिनाइज करने से फैगोसाइटोसिस तेज हो जाता है। और इन केस ऑफ इम्यूनोलॉजी हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि लैक्टिन जो है, लैक्टिन अलोंग विद हीट किल्ड माइक्रोब्स कैन एक्ट एज वैक्सीन में भी हम लैक्टिन यूज करते हैं। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम डेडली माइक्रोब्स। तो इसका आंसर जो है सिंपल सा है, बैक्टीरिया। लैक्टिन जो होता है वो प्लांट के केस में बैक्टीरिया, ओवर एक्सप्रेस ऑफ द लैक्टिन जीन कन्फर्स द रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से ये रेजिस्टेंट करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, अगर याद होता तो बता पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं बता पाओगे कि कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोप अलाउ द मैग्नीफाई सेल अप टू दी 1000 टाइम्स एंड द रिजोल्यूशन कितना होता है। तो जो आपका रिजोल्यूशन जो है वो भी आपका होता है 200 नैनोमीटर, या 200 नैनोमीटर को अगर माइक्रोमीटर में बदल दे तो 0.2 माइक्रोमीटर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 200 नैनोमीटर। तो ये अगर आपको याद होता तो आप इसको बता पाओगे, नहीं याद है आप नहीं बता पाओगे डेफिनेटली। चलिए, ये अगर आपने हमारा पीवाई, अगर आपने वो वीडियोस देख रखे होंगे तो ये आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि अलाइनमेंट इज जनरेटेड बाय स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द टू सीक्वेंस एंड अटेम्पिंग टू मैच ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन द सीक्वेंसेज एंड फॉलोइंग अ स्कोर मैच स्कीम फॉर मैच मिसमैच और गैप्स। ठीक है, जब हम इसे हम ग्लोबल अलाइनमेंट बोलेंगे। ग्लोबल अलाइनमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि एंड टू एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट किया गया है। दैट इज अ करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। दूसरा, फॉर द प्रोटीन एन अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स सच एज एन डाइहॉप प्रेजेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स, जिसे हम पैम बोलते हैं, पैम 250 एंड द ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक होगा, उसे पेपर में ब्लॉसम लिखा है, ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स 62, जिसे ब्लॉसम 62 कहते हैं, इज यूज टू स्कोर द मैचेस और मिसमैचेस। यह भी करेक्ट है, ये दोनों के दोनों लाइन करेक्ट है आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है, आप जाके देखो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वाला वीडियोस।
टर्म डायबायोसिस, डायबायोसिस टर्म का मतलब ही होता है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड होस्ट फिजियोलॉजी। मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया के अमाउंट इंक्रीज हो जाए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, उससे क्या होगा, हमारी फिजियोलॉजी और बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी बदल जाएगी। इस टर्म को हम डिसबायोसिस कहते हैं। और हमारे गट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। तो डिसबायोसिस इज एसोसिएटेड विद माइक्रोबायोम। ये क्वेश्चन भी जो है आपने हमारा अगर PYQ वो कंप्यूटेशन बायोलॉजी वाला वीडियो देखा है तो बहुत ही आराम से बता सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा में हम बैम फाइल और सैम फाइल यूज करते हैं। बैम फाइल बाइनरी सिस्टम में होता है। सैम फाइल क्या होता है? सैम फाइल आपका रीड टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जिसे हम रीडेबल बोलते हैं। बैम फाइल कंप्यूटर के लिए बहुत यूजफुल है और ये हमारे लिए यूजफुल है। बट बैम फाइल सैम फाइल दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम होता है, तो बैम फाइल को हम नहीं पढ़ सकते, सेम फाइल को हम पढ़ सकते हैं। बैम फाइल कंप्यूटर है, बाइनरी सिस्टम में है, मतलब ये स्मॉल फाइल होता है और ये लार्जर फाइल होता है। बैम फाइल से क्या होता है, कंप्यूटिंग सिस्टम आसान हो जाता है। ये बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वाले लेक्चर्स बुलेट पॉइंट्स में। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा, बैम फाइल आर रीडेबल। नहीं, बैम फाइल रीडेबल ना होके सेम फाइल रीडेबल होता है। दूसरा यहाँ ऑप्शन पढ़ो, बैम फाइल इज लार्जर, चूंकि ये बाइनरी में, तो बैम फाइल लार्जर ना होकर सैम फाइल लार्जर होगा, क्योंकि सैम फाइल टेक्स्ट में होता है। बैम फाइल आर स्मॉलर देन सैम फाइल एंड एनहांस इजियर टू ट्रांसफर, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बैम फाइल बाइनरी में होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेता है। यहाँ पे लिखा है होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन ही, दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका 85 है। अभी तक हम लोगों ने 85 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और बहुत ही डीप में डिस्कस करा है। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो हमें मिलते रहे। अगर आप हमारे कंटिन्यूअस 6 महीने से अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप एग्जाम DBT गेट नेट CSIR कोई भी नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा विदाउट एनी कोचिंग, सिर्फ इस चैनल से जितना मैं वीडियो डालता हूँ अगर आपने उनको देखा होगा तो। थैंक यू।